आ गए फिर से। तो होपफुली तुम्हारा कोई भाई या बहन होगी ही, और अगर नहीं है तो मैं हूँ ना तुम्हारा भाई। बिग बैन हाजी भैया, बिग बैन हाजी भैया, आप थोड़ा सा वो करते हो ना, वो एनी एनी एनी। नहीं प्लीज ये हरकत मत करना। ओके, तो अगर तुम्हारे भाई बहन है और अगर तुम बड़े हो तो अब तुम आजीवन टॉर्चर झेलने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ मार मार, अरे दम नहीं क्या तेरे में? मामूली बात हो गई है तो एकदम। मेरे को ये लगी नहीं रही। मार को दर्द नहीं होता? अरे मेरे को कौन सा होता है, मारो। अरे दम नहीं क्या अपने, जरा सा भी बस खाओ और हगो, जरा सा भी दम नहीं है क्या यार, मामूली। अरे मम्मा इसने बोला था कि मारो। अरे वो तो बच्चा है, वो तो बोलेगा ही, लेकिन तू तो इतना डांडा हो गया फिर भी तेरे में अक्ल नहीं आ रही है। क्यों नहीं, तेरे समझ में नहीं आती क्या है? मम्मा के पास निशान दिखा रहा है, मैं मुंह तोड़ दूँ मम्मा। और हाँ, अगर घर पे कोई ना हो तो प्यार अलग ही लेवल पे पहुँच जाता है। हम लोग थोड़ी देर में आ रहे हैं, तुम तीनों में से कोई भी झगड़ा नहीं करेगा, ठीक है? ओके बेटा, बाय बाय। बाय। ये जो प्यारे भाई बहन है मेरे प्यारे, अब इस घर का मालिक मैं हूँ, पानी लाया जाए मेरे लिए, जल्दी जल्दी। आजा मैदान में। हाँ आजा। तो एक तरफ है मोटू। नहीं अंदर क्या करूँ मैं, अंडरवियर पहनना सीख गया पहले, उल्टी पहनी है। आज तो देखो चॉक स्लैग देनी पड़ेगी। काली चॉक दे दी। कितनी बार समझाया तुम लोगों को, नहीं लड़ना नहीं लड़ना, पर नहीं अपने को तो कुछ समझ ही नहीं आती है। ठीठ बच्चे, अरे चड्डी उल्टी क्यों पहनी है? वो मम्मा ऐसे ही कॉमेडी सर्कस। तो एक बार हम लोगों को एक मासूम लाचार बेघर बेकूफ ढीठ गवार ढोर चूहा मिल गया था। और हम लोग उसको घर पे ले आए। हाँ ये हुई ना बात, ये बिल्कुल सही जगह है, आप ऐसे तो किसी को दिखेगा ही नहीं है ना। बाकी रेंदो भैया, नहीं नहीं किसी काम के नहीं हो आप उधर कोने में बैठ के देखना सिर्फ, लेकिन और बिल्कुल चुप चाप बैठोगे फिंगर ऑन योर लिप्स करके। ए पाकी ये देख, ये यहाँ पे रख सकते हैं अपन उसको, बिल्कुल परफेक्ट जगह मिल गई उसको रखने के लिए, इसको डाल के लगा दो। पूरे वर्ल्ड में मेरी समझदारी के चर्चे हैं, यूं ही थोड़े ना बोलते हार्डी। बेवकूफ उसकी पूंछ, पूंछ उसकी। मेरा प्यारा टेंसी, वो बेचारा बेघर था। हंसी किस बात की आ रही आपको? नाम अच्छा है टेंसी। वो बेचारा टेंसी जिंदगी और मौत के बीच में डगमगा रहा था। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे थे, टेंसी की पूछ तो नहीं बढ़ी लेकिन मुश्किलें बहुत बढ़ गई। अरे अरे मम्मा, अरे जल्दी इसको छुपा, जल्दी कहाँ पे। लेकिन टेंसी को वो लोग ज्यादा दिन तक छुपा नहीं पाए। ये बात तो मेरे को पहले ही मालूम थी। हर एपिसोड में ऐसे ही होता, ठीक है। और तो और वो चूहा पूरे घर में दौड़ दौड़ के हकता था। ये पूरे घर में काला काला क्या हो रहा है, देख तो। ये बोनविटा है मम्मा, बोनविटा गिर गया होगा है ना बाकी। हाँ 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 बोनविटा ही है, भले भैया आपको खा के बता देंगे। तो ये छोटे भाई बहनों का एक टेररिस्ट ग्रुप भी होता है जिसके अंदर ये लोग अजीब अजीब सी चीजें करते हैं। ये देखो भैया, ये है स्लाइम। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे पास भी है स्लाइम। ऐसे ही कुछ असामाजिक तत्व बेचारी स्लाइम का मजाक उड़ाते रहते हैं। इनके टेररिस्ट ग्रुप में कोऑर्डिनेशन भी बहुत होता है, कभी रास्ते में मिल जाए तो आज रात तक काम हो जाना चाहिए। एक अपराधी का साथी भी एक अपराधी ही होता है। बहुत दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि मेरी मूंछ गिर गई है, इसीलिए डाउनलोड कीजिए वंडरशॉट फिल्मोरा 11। ये एक बहुत ही इजी एंड पावरफुल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। अरे हादी भाई, हम तो चलाएंगे, मैं 2 GB RAM वाले हाई एंड PC में। हो रहा खुल रहा।
जी हाँ, तो फिल्मोरा 11 में तुमको ढेरों चीजें मिल जाती है, जैसे कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो इफेक्ट जिसको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करो और तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे कि ये वीक सिग्नल वाला इफेक्ट, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करो और बस हो गया तुम्हारा काम। और तो और ये हार्ट बीट वाला इफेक्ट भी कई जगह बहुत सही काम करता है। ये एज स्केल वाला वीडियो इफेक्ट, ये तो अलग ही लेवल की खुशियां भर देता है जिंदगी में। सही बताऊं ना, मैंने खुद ने फिल्मोरा का क्रैक मैंने पर्सनली यूज किया है, बहुत इजी इंटरफेस होता है इनका, बहुत मजा आ जाता है। मतलब तुम लोग आंख बंद करके भी वीडियो एडिट कर सकते हो? सही बता रहा हूँ, अगर ये लोग मेरे को पैसे नहीं देते ना तो भी मैं यही चीज बोलता। अरे अरे खा ले जा रहे हो। So download and share Filmora 11, link is in the description. तो अगर तुम्हारे घर में कुछ भी बिगाड़े काम हो रहे, कुछ भी, तो उसका इल्जाम तुम्हारे ऊपर आएगा। किसने दौड़ा ये? इन्होंने। मम्मा देखो देखो मेरी आंखों में, देखो आपको मेरी आंखों में सच दिख रहा है ना, अब आप ही बताओ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? क्यों तोड़ा? सच बोल। अरे मैंने नहीं तोड़ा। मेरे को झूठ बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मेरे को भी मैंने नहीं तोड़ा। वो मम्मा वो मेरे से टूट गया था गलती से। इस धांधा नहीं बोला होगा तेरे को, है ना? टूटा हुआ सास। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही होता है, कई बार शेयरिंग इज केयरिंग भी हो जाता है। ये आखिरी बच्चा है भैया, खाओगे क्या? अच्छा खाना था क्या? लो लो वापस ले लो, चाहिए खा लो खा लो, यम्मी। ओके, तो दी एंड हो चुका है, तो जाके फैला डालो इस वीडियो को सब दूर, लोगों के घर में घुस घुस के उनको दिखाओ ये वीडियो, जबरदस्ती दिखाओ। और अगर हम लोग तुमको बहुत ज्यादा पसंद आ गए तो तुम लोग हमको इंस्टा पे फॉलो करो यार, छोटे छोटे बच्चे आके मेरे को चिढ़ा रहे। अरे वाह यार, हार्दिक भाई के यूट्यूब पे 600 के, सेकंड चैनल पे 1 मिलियन और इंस्टा पे 30,000। बच्चा ऑडियंस, आपकी बच्चा ऑडियंस है ना। तो जाके फॉलो करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।